नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर शाहबाद से। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिया शाहबाद कोतवाली में ज्ञापन। ज्ञापन में मुस्लिम लड़कों का नाबालिग हिंदू लड़कियों को भगा ले जाना और धर्म बदलने को लेकर नाराजगी जताई, कार्यवाही की मांग की। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला, शाहबाद पुलिस ने दिया आश्वासन, कहा जाँच की जाएगी। शाहबाद नगरपालिका के नामित सभासद पवन रस्तोगी की अगुवाई में दिया गया ज्ञापन। नामित सभासद पवन रस्तोगी ने कहा, अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो किया जाएगा आंदोलन। लव जिहाद से संबंधित समस्या है, पूरा उत्तर प्रदेश लव जिहाद की समस्या से जूझ रहा था। लव जिहाद का कानून बनाया गया, उस कानून के तहत सारी कार्रवाइयां हो रही है, उसके बावजूद भी 14, 15, 16, 17, 18 साल तक की लड़कियों को टारगेट करके उन्हें फंसाया जाता है, उन्हें ले जाया जाता है। धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनसे निकाह किया जाता है। नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना और निकाह कराना ये गैर कानूनी भी है और धर्म विरुद्ध भी है। इसके लिए हम लोग आंदोलित हुए और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो दिन पहले ही महुआ टोला का मसला है। एक हरिजन समाज की लड़की, एक अन्य समाज का लड़का उसे लेके गया है। 16 साल की उम्र की वो लड़की, जिसका धर्म परिवर्तन वहीं के मोहल्ले के मेंबर फहीम खान ने कराया, एक मौलवी के साथ मिलकर कराया और उसका निकाह वहीं के काले नाम के व्यक्ति से करा दिया। 16 साल की लड़की का धर्म परिवर्तन कराना और निकाह कराना या क्या जायज बात है? जब उसका धर्म परिवर्तन और निकाह कराया गया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो जिहादी तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम हरदोई से ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ सहयोगी संवाददाता अमरपाल सिंह की रिपोर्ट।